मेंबर ऑफ यूथ एंड यूनिटी एनजीओ व फोर्टिस हॉस्पिटल के संयुक्त संयोजन से मुलुंड में उनके जनसंपर्क कार्यालय में मुफ्त आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां शुगर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, बॉडी मास इंडेक्स, बोन मिनरल डेंसिटी, आंखों की जांच और डॉक्टरों की सलाह का प्रबंध किया गया। इस मौके पर एकता द यूथ एंड यूनिटी के अध्यक्ष राकेश शेट्टी, ईशान मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष प्रनील नायर सहित कई मान्यवर उपस्थित रहे, जहां सभी का स्वागत किया गया। इस मौके पर सभी ने अपनी जांच करके इस मौके का लाभ उठाया। बहुत अच्छा कैंप और शिविर लगा है यहाँ पर, एंड जब मैंने देखा कि फ्री चश्मा वाटप मतलब एंड बहुत सारे डायबिटीज़ के, आज की डेट में जो कांग्रेस का एक परंपरा रहते हैं जो हमारा धरोहर है इस पार्टी की, वही चीज़ को राकेश जी आज मुलुंड में लेके आए और बहुत सालों से काम करते हैं। मैं उसका एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उसको बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा कि यही काम करते रहना चाहिए। यही हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा एक चलन होता है कि हम लोगों के बीच में और गरीब गोर गरीबों को जो फोर्टिस जैसा हॉस्पिटल, हम सोच भी नहीं सकते कि एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी सोच नहीं सकता है कि हम फोर्टिस हॉस्पिटल जाए, और राकेश भाई ने पूरे फोर्टिस को ला के यहाँ खड़ा कर दिया। तो मैं उसे बहुत तहे दिल से बधाई दूंगा कि इस प्रोग्राम को, और इसी तरह मुलुंड और पूरे ईशान्य मुंबई में उनका सेवा का लाभ उठाएंगे जनता के प्रति पहुँचने के लिए, यही कहना चाहूँ। इसने 1528 से ये फैसले के हम सारे लोग तय कर रहे हैं। मैंने समझता हूँ कि देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता कभी इस बात को इतनी गंभीरता, राजनीति परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को इतने उठाया कि अपने स्वार्थ के लिए उठाया। आज कभी देश की जनता इस बात को कभी राजनीतिक बुनाना नहीं चाहते थे। हमारा धार्मिक, हमारा आस्था की बात है, और आस्थाओं पे हम बहुत बार कम लड़े हिंदू मुस्लिम भाई जितने हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर। एक राजनीति का हमेशा हमारा विभाजन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल लिया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, और ये बहुत सालों से प्रारंभिकता है। कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं है। देश का सबसे उच्च स्थान है कॉन्स्टिट्यूशन घटना से, जिसमें हमें सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को दिया है। हम सबके सर आंखों पर रहना चाहिए, और मैं देश की जनताओं को नतमस्तक होना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने इस आदेश को लिया है, और सराहने वाली बात है, और यही हमारे पूरा गंगा जमुना की हमारी संस्कृति है। एकता द पावर ऑफ यूथ एंड यूनिटी, ये जो एनजीओ है, और फोर्टिस हॉस्पिटल ने मिलके यहाँ पे एक दिन का मेडिकल कैंप रखा है, और हम जो जिसको आरोग्य तपासनी कहते हैं, तो लोगों को एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि सामान्य जो लोग हैं ये फोर्टिस जैसे अस्पताल में अपना इलाज नहीं करा सकते, वहाँ पे नहीं जा सकते। तो हमारी एनजीओ की तरफ से आज हम लोग ने फोर्टिस का जो CSR एक्टिविटी है उसके अंतर्गत फोर्टिस हॉस्पिटल के स्टाफ यहाँ पे एनजीओ के ऑफिस में आए, और आप देख सकते हैं कि लोग डॉक्टरों से मिल रहे, इंटरेक्ट कर रहे और अपना जांच करा रहे, और जो आगे का कार्रवाई है उनका, कोई बड़ा इलाज है या ऑपरेशन है, तो केंद्र सरकार का जो पहले राजीव गांधी आरोग्य योजना था, अब ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना उसका स्कीम का नाम है, उसके अंतर्गत करीबन 4 लाख का ऑपरेशन और इलाज उसके मार्फत सर्वसामान्य आदमी अपना इलाज करा सकता है और उसका लाभ ले सकता है हुआ है। मुझे लगता है कि शाम तक करीबन 400-500 लोग इस शिविर का लाभ लेंगे, और एकता एनजीओ का यही लक्ष्य है कि हर रविवार के दिन कुछ ना कुछ इस तरीके का एक्टिविटी चालू रखना चाहिए, और ताकि लोग एनजीओ के साथ भी जुड़े और वो अपना इलाज भी कराएं। तो हर 6 महीने में व्यक्ति को करना चाहिए हेल्थ चेकअप, बिकॉज अगर आपके शरीर में कोई डिफेक्ट है, न्यूट्रिशन की कमी है, कुछ भी अगर है, तो आपको ये रेगुलर करना चाहिए, और कोई बहुत बड़ी बीमारी आपको अगर आने वाली है तो उसका भी अंदेशा इसी तरीके से आपको लग सकता है। देखिए कि जनता जनार्दन ने जो हमें रिजल्ट दिया है वो स्पष्ट रूप से BJP और सेना को सरकार बनाना चाहिए, और महाराष्ट्र का जो खेडूत है वो आज परेशान है, क्योंकि आप जानते हैं कि बारिश तमने का नाम नहीं ले रहा है, और
बारिश के कारण फसल बर्बाद हो चुकी है, किसान को इस समय में अपना फसल काट के उसको पैसे मिलने वाले थे, वहाँ पे उसका पूरा फसल और मेहनत बेकार हुआ है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में इस वक्त तापड़ तो सरकार और मुख्यमंत्री बनना चाहिए और ये जो किसान है इनको इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए। की तरफ से एक तो एनजीओ के प्रेसिडेंट राकेश शेट्टी और हमारे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सेवा दल के हमेशा एक कैंप लेते रहते हैं, मुलुंड भांडुप में बहुत अच्छी तरह कार्यरत है और जनहित का काम हमेशा वो करते रहते हैं। इसमें जो फोर्टिस में लोग जा नहीं सकते हैं वो गरीब यहाँ पे आके फोर्टिस का लाभ ले रहे हैं, दिया है जैसे अपना बीपी डायबिटीज के लिए एजीटी और ये वेट मैनेजमेंट और इसके अलावा ईसीजी है रखा है, तो किए बाकी सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा आई चेकअप भी है, आई चेकअप का अलग रखा हुआ है, बाकी ठीक है। और वेट गेन वाले ओबेस पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, फ्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लांटेशन करना चाहिए।